दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल सोशल बिकू पर। दोस्तों बताना चाहेंगे, एक भावुक अपील है भगवान से की जा रही है। आप देख सकते हैं EPS 95 पेंशनर्स के द्वारा, जिसमें लिखा कहा जिसमें कहा जा रहा है, हे भगवान, मेरे भोला नाडा के भाई बहन कमांडर अशोक राव सर के साथ कितने दिनों से आंदोलन के आगे जल रहे हैं, क्या उनका उनके परिवार का कोई लाइफ नहीं है? हम कैसे घूम सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे अपनी ही कुटुंब के साथ फेसबुक पे फोटो डालकर आनंद मना सकते हैं? क्या हम इतने स्वार्थी हो गए हैं? हम अब तक तो मर्दा के पेट उठ जाने चाहिए, मुर्दा के पेट, मुर्दा भी यहाँ पर लिखना चाहिए, मुर्दा भी बैठ कर उठ जाना चाहिए, हम तो जिंदा हैं। हे भगवान, अब मुझे ना सरकार से उम्मीद है ना कोर्ट से, बस मेरा विश्वास आपके ऊपर है। नहीं 63 लाख EPS के मेंबर्स की तकलीफ का सोचो, लेकिन भोला नाडा के आंदोलन उतरे मेरे भाई बहनों के बारे में सोचो। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि उनका संकल्प EPS 95 NSC की मांग 7,500 महंगाई भत्ते के साथ एक मंजूरी नहीं होती, भत्ते के साथ जब तक मंजूर नहीं रहते आंदोलन के चलते रहेंगे प्रभु। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रार्थना की गई है भगवान से। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है, ये प्रमोद जी हैं, उनके द्वारा किया गया है। EPS 95 NSC के मेंबर्स हैं और भगवान से उम्मीद की जा रही थी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है EPS 95 पेंशनर्स है, कंटिन्यूसली उनका संघर्ष जो है भोला नाडा में जारी है। 202 दिन हो चुके हैं, उनके प्रयास में किसी प्रकार की जो है रुकावट नहीं है, मतलब किसी प्रकार का उनके प्रयास में जो है कमी नहीं है। तो ये छोटा सा अपडेट था आप लोग के साथ, आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। राय कमेंट में दीजिएगा, मिलेगी फिर नए अपडेट के साथ आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।